భక్తు ఉంటే ఉంటా హృదయకైతే మానస సరోవర సరోవర కదీ మానస రూపీ సరోవర భగవాన్ కైసే హంస హంస బన్ కి సంతో కి హృదయ రూపీ మానస సరోవర మే జో ప్రభు క్రీడా కర్తె హే జో ప్రభు క్రీడా కర్తె హే తుమ్ సామ్నే ఆ జాయే తో బచ్చా ప్రభు భగవాన్ క్రీడా సర్వర బహు హంస ఛోటా సా మతల సంతో కా హృదయ ఇతనా బడా హై భగవాన్ హంస రూపీ జిన్కి హృదయ మే క్రీడా కర్తె హై ఇసిలే బోలే జగత్ మే బడే కౌన్ హుయే కౌన్ హుయే जो भगवान को भी अपना हृदय में बंद करके रख दे हैं इसलिए कहते बड़े कौन होंगे संत इसलिए भगवान खुद कहते हैं मत भक्त पूजा विधत सर्व भूतेश मन मति कृष्ण स्वयं कहते कहते मेरी पूजा से मेरे भक्त का पूजा बड़ा है मेरा भक्त का पूजा बड़ा है इसलिए यहाँ पर उन्होंने सारे संतों का नाम को ले लेकर के सारे भक्तों का नाम को ले लेकर के प्रणाम करते हैं कहते अभी तो जो संत हुए हैं जो बाद में जो हुए हैं और बाद में जो होंगे हैं ये सारे संतों का वो नाम को ले लेकर के यहाँ पर उन्होंने प्रणाम करते हैं कहते आप सभी संतों हम लोग ऊपर में कृपा करो हमारे ऊपर में कृपा करो क्यों ठाकुर जी आपके हृदय में ठाकुर जी का निवास है अगर संत कोई सचमुच कोई संत हो अगर वो कृपा कर दिया ना भगवान भी मजबूरी हो जाते हैं उसको ऊपर में कृपा कर दी भगवान भी मजबूरी हो जाती है भगवान तो अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके संतों का प्रतिज्ञा को ठाकुर जी रक्षा करते हैं इसलिए हम लोगों ने ये जो भजन गाए हैं ये सारे संतों का चरण में ये प्रणाम करते हैं संतों का चरण में इसलिए आप लोग भी रोज ये भजन को घर में गाना गाने पर क्या होगा सारे संतों का चरण में प्रणाम करना हो जाए ठीक है हम और एक भजन की सारे बंगला भजन है सारे बंगला भजन है लेकिन इसको जो भाव है ना बहुत अच्छे अच्छे भाव है बहुत अच्छे अच्छे भाव है आपको समझ में नहीं आई हम कोशिश करके आपको समझा देते हैं उसमें क्या बताते हैं बोले को दिलाव भागे अमनी जागे भगत Hola. Oh, yeah.
समूह लैया साथे गेला नगर ब्राज। इसका मतलब है उदिला अरुणा, जब पूर्व भाग में सूरज उदय होता है महाप्रभु क्या करते थे, उसको पहले उठ जाते थे, पहले उठ करके नहा धो करके तिलक लगा कर क्या करते हैं अपना भक्त लोगों को लेकर के कीर्तन करने जाते थे, नगर परिकीर्तन में जाते थे। इसलिए यहाँ पर बताया जो सवेरे सवेरे जल्दी उठनी चाहिए, इसलिए बताए चार तरह का स्नान है। एक स्नान है ऋषि स्नान, दूसरा है देव स्नान, तीसरा है नर स्नान और चौथा है राक्षस स्नान। चार तरह का स्नान है। बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो नहा है। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? बोले सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले की ब्रह्म मुहूर्त है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, देखना उसका शरीर का बीमारी आधा अपनी आप उतर जाए। इसलिए आप देखो इतने इतने पुराने लोग हैं, वो क्या करते थे, एकदम सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो लेते हैं, इसको ऋषि स्नान करके। एक होता है देव स्नान, जब श्री देवता लोग को स्नान करते हैं तो वही कब स्नान करते हैं, बोले सूर्य उदय होने से पहले बना लेते हैं। एक होता है नरस्नान, नरस्नान मतलब है इतने जीव है इंसान है, फिर उसको वो स्नान कब कहते हैं, जब सूर्य उदय हो तो सभी स्नान करे। फिर राक्षस स्नान किसको कहते हैं? बोले सूर्य उदय बाद में जो स्नान करते हैं। इसलिए आप देख लो कौन सा स्नान आप करते हैं, इसलिए कौन सा स्नान करते हो, इसलिए नियम है, नियम है हमें सूर्य उदय होने से पहले, नहीं तो कम से कम सूर्य उदय होते समय हमें नहा लेनी चाहिए, नहा करके अपना तिलक भजन पूजा पाठ करनी चाहिए। लोग पहले यही करते थे, उसको उठ करके पहले ठाकुर को स्नान कराना, आप देखना तुम्हारी माता जी को सब क्या करते थे, स्नान करना, ठाकुर को कीर्तन करना, रामायण भागवत पढ़ना, यही तो करते थे हमारे पूर्व है, यही करते लगने टीवी टीवी उल्टा पुलटा चीज याद रखे, एक एक 2 बजे तक देखो, फिर सो और 8-9 बजे उठो और किसी तरह से खाओ और अपनी से काम जाओ। जैसे चिड़िया घोंसला से निकलती है ना, घोंसला सवेरे निकलती और घूम घाम पर घोंसला में घुस जाती है, हम भी ऐसे क्या करते सवेरे घोंसला से निकल गए और दिन भर काम करके घोंसला में सोए और सो गए, फिर सवेरे घोंसला से फिर निकल जाते। इसलिए महाप्रभु एकदम सवेरे सवेरे महाप्रभु जग करके सब भक्तों को लेकर हरि कीर्तन करने के लिए निकलते थे, क्योंकि सबको कानों में भगवान का नाम पढ़ना सबका कल्याण होता है। और सवेरे सवेरे अगर ठाकुर का नाम सोते समय सुनोगे, दिन भर ही हमारे जीवन एकदम बढ़िया से जीवन बीतेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे ठाकुर जी की हमने नाम सुने व कीर्तन किया है। ये कीर्तन में कहते हैं बोले उदित तपन हैले अस्त दीन गेला बलि है वे व्यस्त तबे कहना है वे अलस हुई नाभज हृदय राज। देखो ये कीर्तन में कितनी अच्छी बात कहते हैं, जब सूरज पूर्व दिशा में उदय हो वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं भैया एक दिन चला गया, एक दिन चला गया है, हैं? इसलिए भागवत में बताया आयु हरति वही पुंसान उज्जन अस्तन चन सौ तस्ते जम क्षणम नीत उत्तम सुखवाता है। यदि सूरज नहीं है काल है, ये काल सबका परमायु को हरण कर देता है, काल को काल में सब जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भागवत कहता है एक व्यक्ति का परमायु को हरण नहीं करता, वो सबका परमायु हरण करता है। बोले किसका परमायु नहीं हरण कर पाता है? बोले जो भगवान की भजन करते भक्ति करते हैं,
उनका नाम करते हैं, क्योंकि जो काल का जो काल है ना वो भगवान है, वो ठाकुर जी है। आप जो अभी कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, आपका परमल काल हरण नहीं कर रहा है, परमल एकदम जहाँ तक तहाँ वो सूर्य खड़ा हो। लेकिन जब प्रभु की भजन कीर्तन छोड़कर दूसरे काम में लग जाओ, झट वो आपका परमाय को झट वो नष्ट करते रहे, वो झट परमाय को नष्ट करते रहे हैं। इसलिए उदित तपन हैले अस्त दीन गेलवली हैले व्यस्त। जब एक दिन बीत जाता है, बोले भाई आज एक दिन चला गया, जब एक दिन चला गया बोले तबे केना वे आलस होई नावज हृदय राधे। फिर तुम भगवान की भजन क्यों नहीं कर रहे हो? वो काल तो तुम्हारे सारे परमाजूत काल तो खत्म करते जा रहा है, फिर तुम प्रभु की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, प्रभु की भजन क्यों नहीं करते हो? इसलिए जितने जल्दी से एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के हो एवे ना भजिले जसोदा सुत चरण में पड़ी बला। इसका मतलब है कि एमन दुर्लभ मानव देह, यदि जो मानव शरीर है वो साधारण जन्म नहीं। भगवान राम कहते हैं ये जो मानव शरीर है देव दुर्लभ मानव शरीर है, बड़ा भाग मान सतन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ, उन्हें भी ये मानव शरीर नहीं मिलता है। आप पुण्य करके तो स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में इसे कोई काम नहीं जो करके फिर तुम मानव शरीर में फिर आते हो, वैसे कोई काम नहीं बचता, वैसे आप कोई काम नहीं जो फिर तुम मानव शरीर, उसके बाद कुत्ते गधे सुअर क्या बनेंगे, बनोगी ये मानव शरीर में तुम नहीं आ सकते। इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई में जई पर लोक सवारा। कहते ये मानव शरीर नहीं, ये साधन की धाम है, क्योंकि इसी शरीर में ही 84 लाख जन्म में आप और किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई नहीं बोल सकता, किसको बोला आकर के भगवान की कथा सुनो कोई कथा सुन सकते हैं, नहीं आ सकते। केवल ये मानव शरीर में ही ये प्रभु की भक्ति हम कर सकते और किस जीवन में नहीं। लेकिन भगवान के तो पाई का जय पर लोक सवारा, तुमको ये मानव शरीर तो दे दिया बोले है कहते दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देवा, तुमको ये दुर्लभ वस्तु तुमको सुलभ करके दे दिया। लेकिन अगर तुमने मुक्ति की मार्ग नहीं ढूंढा तो फिर दूसरे जीवन में कहते साथ छोड़ते रहोगे, लेकिन ये मानव शरीर मुझे फिर द्वारा मिलेगा नहीं, फिर 84 लाख जीवन में फिर तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए कहते एमन दुर्लभ मानव देह पाया किकर भावना के हो, तुम लोग इसको पा करके तो सोच नहीं रहे हो, तबे कहने अभी अलस हो ना भज हृदय राधे, फिर अभी क्यों अलस होकर क्यों भजन नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी प्रभु का भजन में लग पड़ो। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे कोई कोई हम थोड़ी मर रहे हैं, अभी से प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का भजन कर ही लेंगे, प्रभु का भक्ति कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहते भैया नहीं, ये जो काल है ना ये कब आकर के पकड़ेगा, वो बोलेगा नहीं अभी बेटी की शादी नहीं की, बेटा की शादी नहीं हुआ है, वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, इसी समय भी आकर के हमें पकड़ करके हमें घिसट कर ले जा सकता है। हमारा पास में कोई गारंटी नहीं, कार्ड नहीं, इतना दिन तक हम जिंदा रहेंगे कोई गारंटी कार्ड नहीं हमारे पास में, कभी भी हमें ले सकता है। हमने जो श्वास छोड़े दूसरे श्वास ले पाए कोई बता सकता है, हमने जो एक श्वास छोड़ा है दूसरा श्वास अब पेपर पढ़ो कैसे कैसे लोग मर गए, कैसे लड़ाई झगड़ा दंगा से एक्सीडेंट से कैसे लोग मर गए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं जैसा होगा, पृथ्वी में सबसे बड़ा आश्चर्य ये जब महाराज युधिष्ठिर महाराज पूछे सबसे जगत में बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य है हमसे जो छोटे थे तो मर गया, लेकिन हम सोच रहे हो मर गया थोड़ी हम मरेंगे, हम तो 1000 साल तक हम जिंदा रहे, वो गया लेकिन मैं मर गया। ये बड़े जगत में ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज थी, जगत में ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज यही है। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी से जल्दी हो भगवान की भक्ति शुरू कर दो, दूसरे काम को पीछे रख लो, दूसरे काम को पीछे रखो, क्योंकि दुनिया होता रहेगा,
ये दुनिया में खाना पीना सोना तो होता रहेगा, लेकिन प्रभु का भजन किसी जीवन में नहीं होगा। देखो एक पूर्व बंगाल में बहुत बड़ा जमींदार था, उसका नाम था लाला बाबू। क्या नाम था? लाला बाबू। बहुत बड़े धार्मिक जमींदार, लेकिन पहले पहले हर लोग गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, इसलिए उनको पता रहता था कि जीवन दुर्लभ है, प्रभु ये बारंबार ये जीवन नहीं देते और ये जीवन पा करके प्रभु को भक्ति करनी चाहिए। पहले हर व्यक्ति को पता रहता क्यों, गीता रामायण में यही बात बताई जाती। लेकिन अभी बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी उसकी, अब दिन भर उसी में बिजी रहता था, लेकिन भावना रहती थी कब मैं प्रभु की भक्ति करूँ, प्रभु का भक्ति करूँ। एक बार वो छत के ऊपर खड़ा हुआ था, सूर्य अस्त होने जा रही थी, हैं? एक फेरी वाली, एक फेरी वाला जान तो जो सर पर टोकरी में सरहद का सामान को लेकर के देखे होंगे, वो गांव गांव में बेचता था। उसने कुछ सामान दिया था लाला बाबू को, अभी उसने आकर के बोले लाला बाबू बेला गेलो कि बदला, मतलब सूर्य डूबते जा रहा है, लाला बाबू बेला गेलो मतलब समय डूबते हुए जा रहा है और हमें अपना गांव तो जाना है, गांव बड़ा दूर है, अब जल्दी जल्दी पैसा दो, समय कम है, समय कम है, हम बड़े दूर तक तो जाना है, वो सूर्य डूबने जा रहे हैं। देखो उन्होंने उसको किस रूप में अपना जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने तो एक भाव से बोली, उसने दूसरे भाव से ग्रहण किया, बोले भैया ये तो बात सही बता रहे, ये तो बात उसने सही बता रहे, ये तो सूर्य का जीवन का जो सूरज है वो अस्त होने जा रही, अब धीरे धीरे तो मुझे बूढ़ा हो गया, ये जमींदार देखते देखते बूढ़ा हो गया और जाना बड़े दूर तक, मतलब इसी जीवन में प्रभु तक पहुंचना, प्रभु तक पहुंचना है, समय कम है, ये तो सही बता रहा है। उसने उस छत के ऊपर खड़ा हुआ था, बोले और नहीं अभी हमें निकल जानी चाहिए वृंदावन भजन करने के लिए, क्यों इसी जीवन में ही हम मुक्ति मार्ग को इसी जीवन में ही हाँ इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और नहीं। लेकिन कोई कोई कहते ना अभी थोड़ी सी काम को निपटा करके हम करेंगे, बोले भैया तू खुद निपट जाओगे, लेकिन तुम्हारा काम निपटेगा नहीं, हाँ खुद निपट जाओगे उसका अंदर में, ये संसार का काम कभी निपटता नहीं, कभी किसका निपटा नहीं अभी तक। अभी उसने सोचा ये तो कभी काम निपटने वाले नहीं, बड़ा जमींदारी है, वो छत को ऊपर से उतर करके आ गई, अभी मेन रोड में खड़ा हुआ सोच रहा है अभी भी मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है, क्या ये सारे दायित्व को मैं खत्म करके भजन करने के लिए जाऊं ना, अभी चले जाऊं। बीच रोड पे खड़ा हुआ था, अभी सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी जाऊं ना कुछ दिन बाद में जाऊं, इतने में एक जमादारिणी थी वो रोड को साफ कर रही थी, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, सोच रहा था ना अभी जाना पान पे जाओ, हाँ और झाड़ू लगा रही थी जा रही, उसमें झाड़ू लगाना, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, बोले तो सही बता रही, मैं तो सोच रहा हूँ ये काम को निपटा करके जाऊं ना अभी चला जाऊं, ये तो सही बता रही एक तरफ हो जाओ, नहीं तो इधर नहीं तो उधर हो जाओ, बोले ये तो बात सही बता रही, बोले बात सही है एक तरफ हो जानी चाहिए, बोले और संसार नहीं, हाँ और संसार नहीं, उसने संसार को त्याग दिया और वृंदावन में भजन करने के लिए आए। और वो तो बहुत बड़ा जमींदार थे ना, उनको पैसा पता है कैसे कमानी चाहिए, पैसा उनको पता, जमींदार थे, लेकिन पहले तो उन्होंने दुनिया के लिए बहुत बनाया, लेकिन वृंदावन में आकर उन्होंने भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाया। अभी भी वृंदावन में रंग जी के मंदिर के पास में लाला बाबू का मंदिर रूप में प्रसिद्ध है, बड़ा आलिशान ने भगवान के लिए मंदिर बनाया, ठाकुर जी के लिए उन्होंने मंदिर बनाए, लेकिन जो अब लोग वृंदावन गए होंगे वो जो रंग जी मंदिर है ना उनको जिसने बनाया है वो एक बहुत बड़ा जमींदार है, अभी एक बहुत बड़ा जमींदार था और ये भी एक बहुत बड़े जमींदार थे, दोनों ही जमींदार, जब दोनों की जमींदार थी इनको आपस में बड़े दिन तक केस मामला चलते रहे, दोनों को आपस में बड़े दिन तक केस मामला, इसलिए अभी वो जो लाला बाबू जो जगत सेठ उसका नाम था है, जो रंगजी मंदिर बनाया,
वो रोज क्या करता था वृंदावन में, जो संत भजन करने के लिए आए हैं है? रोज अपना हाथों से संतों को रोटी देता था, सब्जी देता था, ठाकुर को भोग लगा करके ये भजन करने के लिए आए, इनको कहाँ से भोजन मिलेगा, रोज उनके लिए रोटी सब्जी देता था। सबके सब संत जा करके तो वहां से लेते थे, लेकिन ये नहीं करता लाला बाबू। क्यों? उनको साथ में पहले लड़ाई झगड़ा हुई, केस कोर्ट मामला चल, दोनों ही जमींदार थे, अभी ये नहीं जाते। देखो राधा रानी कितने दयालु हैं। राधा रानी ने देखा सारी हैं जमींदारी छोड़ करके ये तो भजन करने के लिए आया, लेकिन अभी भी इसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष कलह, पहले पूर्व बाद इसको याद है। इसको साथ में हमने मामला मुकदमा की, प्रभु की भक्ति करना है ना, हृदय से इशारे काम ईर्षा द्वेष ये सब चीज को हमें त्याग देनी चाहिए, नहीं तो प्रभु की भजन नहीं होता। अगर वही चीज को याद करूँ तो भजन क्या करूँगा है। राधा रानी बड़ी दयालु है, क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होना ये ब्रजवास कोई नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। राधा रानी बड़ी कृपालु, इतने में राधा रानी एक बालिका रूप धारण करके भी आई, बोले बाबा तू तो भजन करने के लिए आए हो ब्रज में, लेकिन अभी भी तेरी हृदय में ईर्षा द्वेष ये सब चीज अभी है, ये सब चीज रख करके ब्रजवास नहीं होता है, तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते हो। देखो वहां पर रो सभी संत जाते हैं, वहां से माधुरी लेते हैं, एक दो नहीं जाते हो। क्यों? अभी तेरा बात दिया, पहले बात दिया, ये चीज को हृदय से निकाल फेंको, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते हो। छोटी रूप धारण करके राधा रानी बोले, बोली ये बात सही बता रहे, ये बात सही बता रहे। फिर लाला वो गए उसके पास में, जिस लाइन में सब भक्त लोग खड़े होकर के लेते थे, वो भी उसी लाइन में खड़े हुए होकर के रोटी सब्जी देता था। जब उन्होंने अपना हाथों से, जब लाला बाबू का बारी आई ना, देखा लाला बाबू बहुत बड़ा जमींदार थी, ये भी जमींदार इसी जमींदार, देखा ये मेरे पास में रोटी सब्जी लेने के लिए आए, मतलब क्या है उसके हृदय में मेरी प्रति जो ईर्ष्या द्वेष उसने निकाल फेंका है, तभी तो मेरे पास में भिखारी जैसे रोटी सब्जी लेने के लिए आए। जब दोनों दोनों को मिले फिर तो दोनों दोनों को अपना गोद में भर लिए, भर करके दोनों के हृदय में दूसरे का प्रति जो ईर्ष्या भाव द्वेष कलह था उनको आंखों के आंसुओं से सब बाहर निकल गए। शुद्ध रूप में फिर भगवान जी उन्होंने वृंदावन में उन्होंने भजन किया है, इसलिए वृंदावन में राधा रानी की कृपा से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पार, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, तबे केना बे अलस होई ना भजन भजा। इसका मतलब है अभी क्या करो, बोले भगवान का जो नाम है कृष्ण नाम सुधा, कृष्ण नाम ये अमृत है, हैं ये अमृत, इसको क्या करो भगवान के नाम जप करो, भगवान के नामामृत को पान करो, नामामृत को। क्यों? कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, कलिजुग में केवल एक ही साधन है भगवान का नाम साधन, क्योंकि हम तो भगवान को देखे ही नहीं, ठाकुर को हम देखे नहीं ठाकुर जी कैसे, लेकिन भगवान कलिजुग में नाम रूप में, ठाकुर जी कलिजुग में नाम रूप में आए हैं। जब हम ठाकुर जी के नाम जप करते हैं है? हम क्या करते हैं ठाकुर जी का जब नाम जप करते हैं, साक्षात भगवत दर्शन, साक्षात भगवत प्राप्ति रूप में, क्योंकि हरि से बड़ा हरिया नाम है। जीवे जीवे कल्याण साधन काम जगत आसीय मधुर नाम, अपिता चीर तपन रूपे हृद गगन विराजे। बोले जीवे कल्याण साधन काम, कर जीव के कल्याण के लिए भगवान स्वयं कलयुग में अपना नाम रूप में ठाकुर जी कलयुग में आए हैं। इसलिए क्या करो, नामाश्रय करी जतन तुम्हें ठाकुर अपन का, मतलब अपना काम करो, अपना काम नहीं अपना घर क्या समझो, ये भगवान का दरबार है, ठाकुर जी के दरबार है, हैं रसोई बनाओ, क्यों बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा, अपना खाने के लिए रसोई नहीं बनाते, इसलिए बोलना बनाते ठाकुर जी की भोग लगेगी, घर को साफ करते हो, बोले घर क्या है
भगवान का मंदिर, ठाकुर जी की मंदिर झाड़ू नहीं लगा रहे, ठाकुर जी की दरबार को साफ कर रहे। अगर ठाकुर जी कभी अगर घूमेंगे फिरेंगे, अगर घर में अगर धूल होगा ठाकुर का जगह में नहीं लग जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, ठाकुर जी को घर को साफ कर रहे हैं। स्नान करते हो अपना कपड़े पहनते हो, बोले क्यों स्नान कर रहे हो, बोले गद्दे शरीर से कैसे ठाकुर को सेवा करेंगे है, इसलिए हम स्नान करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हो, बोले क्यों, अच्छे कपड़े पहन करते ठाकुर को सेवा करनी चाहिए ना, गंदे कपड़े क्यों, अच्छे कपड़े से, इसलिए हम जो कुछ करें, काम करते हो पैसा कमाते हो, बोले क्यों, पैसा के बगैर ठाकुर की सेवा कैसे होगी है, लक्ष्मी तो पैसा लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी सही तो ठाकुर की सेवा हो सकती है ना, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। इसलिए हर चीज को क्या करो, भगवान की भक्ति में हर चीज को जोड़ लो, ठाकुर जी की जरूरत नहीं, महापुरुष है तो कोई चीज छोड़ना नहीं, क्योंकि भगवान दुनिया को बनाया, हमने नहीं बनाया, किसने बनाया, भगवान ये दुनिया को बनाया, किसको किसी चीज को नहीं छोड़ना, हर चीज को प्रभु की भक्ति में जोड़ दो, हर चीज को जोड़ दो, यही भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। लेकिन भगवान को छोड़ करके करोगे तो फिर माया, यही बंधन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण दिया है, देखो ये उदाहरण को अच्छे तरह से समझो, वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे तजुना। देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, आप लोग बताओ, जैसे एक है, एक रख करके सीधा हाथ में जो एक जीरो देते हैं, बताओ कितना होगा, कितना होगा, दस। पहले था एक, लेकिन जब एक जीरो दे दिया वो कितना हो गया, दस हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, सौ। पहले कितना था, पहले था दस, पहले था दस, लेकिन दस में जब एक जीरो दे दिया क्या हुआ, जो दस है वो झट दस गुण हो गया, फिर एक जीरो दो कितना होगा, हजार। पहले कितना था, सौ, सौ था, पहले एक जीरो देने पर जो सौ है वो हो गया हजार, एक एक जीरो देने पर वो दस 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 गुण बढ़ रहा है। वो उदाहरण देते हैं, अभी एक को निकाल दो, एक जीरो दो बताओ कितना होगा, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, देखो यही चीज को दिमाग में बैठा है। वो बढ़िया उदाहरण दे रहा है, कहते भैया एक क्या है, बोले एक भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान एक है। बोले जीरो क्या है, ये संसार, ये संसार जीरो ही है, क्योंकि संसार में कोई चीज का है नहीं है, ये झूठा संसार है। ये संसार कैसे है, जैसे आप देखना कोई धर्मशाला में रुके हो, नहीं तो किसी होटल में रुके हो, बाहर गए होटल में रुके, जब वहां बैठ गए कि हम कुछ गप्पे मारते हैं, तुम कहाँ से आ रहे, बोले एटा से, तुम कहाँ से, बोले दिल्ली से, तुम कहाँ से, फरीदाबाद से, तुम कहाँ से, नोएडा से। रात में तो खूब गप्पे मारे बैठे करके, लेकिन सवेरे होते ही सब सब गए। ठीक उसी तरह ये संसार में हम केवल गप्पे मार रहे हैं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तेरे पति हो, तुम मेरा बेटा हो, मैं तेरी मैया हो, तुम मेरी नाती हो, केवल गप्पे मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, वो केवल गप्पे और कुछ नहीं। जिसका समय आएगा, पिता माता है, बच्चे का समय आ जाएगा, उसको उतरना पड़ेगा, उसको वो रख नहीं सकता है। जैसे टिकट बना करके ट्रेन में जा रहे हो है, देखना बैठ कर तू गप्पे मारते, बोले कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारी टिकट बनी हो वही तुमको उतरना, वही उतरना पड़ेगा। ये संसार जीरो है, संसार जीरो है, लेकिन कभी ये संसार हीरो भी बन सकता है, संसार हीरो भी हो जाएगा, बोले कब, जब वो एक में जुड़ जाए, जब ये एक में जुड़ जाए ना, वो संसार मेरे हीरो बन जाएगी, वो संसार। मतलब क्या, मतलब ये है संसार करो एक को बात देख करके नहीं, एक और भगवान की भक्ति अगर इसको बात दे दिया, केवल पैसा कमाओ पैसा 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 कमाओ, बोले क्यों, हम खाएंगे, फिर बीवी खाएगा, बच्चा खाएगा, हाँ, ये जीरो है, ये जीरो है, पूरा जीरो है, हैं, बल्कि जीरो से ही और गड़बड़ जाता है। ये एक जीवन में इतने कर्म बनता है जिसको भोगने के लिए 84 लाख जन्म लेना पड़ता है, ये मानव शरीर में इतने कर्म बनती है, इतने कर्म बनती है, लेकिन वो जो जीरो का अगर एक में जोड़ दिया ना, भगवान की भक्ति में जोड़ दिया, बस फिर कर्म बंधन तुम्हारी खत्म,
कर्म बंधन तुम्हारी खत्म है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन सदर्थ कर्म मुक्त संग समाचार। कृष्ण कहते हैं अर्जुन यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र, अगर तुम मेरे को छोड़ करके कोई भी कर्म करोगे घोर बंधन बंधन दशा प्राप्त करोगे, लेकिन अगर तुम मेरे को लेकर के अगर कर्म कर रहे हो जिसको तरह मुक्त संग समाचारी जिसको फल मुक्ति है, हैं? एक विषयी दुनियादारी व्यक्ति और एक भक्त, दोनों का जीवन देखने पर एक लगता है। भक्त भी पैसा कमाता है, संसार का साधारण व्यक्ति पैसा कमाता है। एक भक्त भी रोसोई बनाता है, साधारण व्यक्ति रोसोई बनाता है। एक व्यक्ति भी अपना दुनियादारी संसार घर गृहस्थी संभालता है, घर साफ करता है, भक्त भी करता है। देखने के लिए तो लगेगा बराबर, लेकिन फल आकाश जमीन पर, क्यों? एक जो भक्त करता है उसका जो मेन सेंटर है ना, वो क्यों पैसा कमाता है? ठाकुर जी सेवा के लिए कमा रहे। हमारे जो परिवार है भक्त है, सबके सब घर में भक्त है, सभी गला में तुलसी कंठी होनी चाहिए, सभी की गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, घर में सबको तिलक धारण करनी चाहिए, घर में सबके सब भगवान के नाम जप करने चाहिए, फिर तुम्हारे संसार क्या हो गया? ये भगवान का परिवार, ठाकुर जी का परिवार हो, ये कृष्ण का परिवार हो, है ना? ये साधारण परिवार नहीं है, परिवार नहीं। अगर पैसा को क्यों कमाता है उसका भावना क्या है? घर में ठाकुर जी बैठे हैं, हम घर में जो परिवार सब भक्त भक्त है, सब भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हम इन्हीं के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। हम पैसा किसी ने कमा रहे हैं, हम इन्हीं के लिए पैसा कमाते हैं। बोले रसोई क्यों बना रहे हो? बोले भगवान की भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए हम रसोई बनाते हैं। इसलिए जो कुछ वो काम करता है सेंटर में किसको रख करके? ठाकुर जी को सेंटर में रख लिया, उन्होंने भगवान को सेंटर में उन्होंने ठाकुर जी को रख लिया, इसलिए उसको संसार नहीं, उसका संसार नहीं, उसका घर नहीं, वो घर वृंदावन है, वो घर इसका वृंदावन बन जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल पैसा पैसा कमाओ, खुद रसोई बनाओ, खुद खाओ, भगवान की भोग से कोई मतलब नहीं, हरि नाम से कोई मतलब नहीं, केवल खा पी कर मर जाओ, हैं? खा पी करके जानवर जैसे मर जाओ, वो घर नहीं है, वो घर नहीं है, हैं? इसलिए गृहस्थ तभी बनेंगे जब घर में सबके सब प्रभु के भजन में, पूरा के पूरा परिवार के प्रभु की भजन में लग जाए। इसलिए यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के नाम को आश्रय करते हुए सारे काम को, ठाकुर जी का नाम को आश्रय करते हुए करो, फिर सुबह तुमको बैठे बैठे करके ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको जो आवाज क्यों करना है प्रभु जी? इन्वर्टर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ देखो आज ये है एकादशी, आज सब कुछ किया कि नहीं? सब कुछ किया हो? आज कोई भी अन्न नहीं खाना, क्योंकि एकादशी का दिन अन्न में गौ हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितामाता हत्या, जो पांच जो सबसे जो बड़ा पाप मानी गई वो अन्न में एकादशी का दिन को निवास करता है। इसलिए जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है आज का दिन, ये सारे पाप उसको भुगतना पड़ता है। कहते हर पाप से मुक्ति का उपाय है, लेकिन कहते जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं वो पाप से मुक्ति होने का, उसको पाप उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए आज सबके सब एकादशी व्रत करना, मतलब ये एकादशी व्रत है क्या चीज? तो हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं बोले माधव तीर्थे भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी, शोध भक्त चरण रेणु भजन जो एकादशी तिथि है वो तिथि का नाम क्या है? इसका नाम माधव तिथि, इसका नाम माधव मतलब
भगवान कृष्ण। ये एकादशी भगवान माधव का व्रत है। जैसे कोई शनिचर, कोई मंगल, कोई बृहस्पति अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन वो व्रत दूसरे दूसरे दिवाली के लिए, लेकिन एकादशी व्रत है इस भगवान कृष्ण के लिए। ये भगवान के लिए एकादशी माधव तिथि। और जगत में बहुत सारे हम व्रत रखते हैं, हम बहुत सारे व्रत रखते हैं, लेकिन कितने दिवाली का व्रत रखोगे तुम? 33 करोड़ देवता है। एक को मनाओ दूसरे मुंह खुला कर बैठेगा, तीसरे को मनाओ चौथा मुंह खुला कर बैठेगा, हैं? फिर ये पीछे लग जाएगा, वो ग्रह छूटेगा तीसरा ग्रह लग जाएगी, दूसरा ग्रह छूटेगा फिर तीसरा ग्रह लग जाएगा। बोले तब तक ये ग्रह तुम्हारे ऊपर में आक्रमण करेंगे, बोले तब तक करेंगे जब तक तुम प्रभु कृष्ण का शरण में नहीं आ जाओगे, इनके शरण में नहीं आ जाओगे तो सारे ग्रह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई ठाकुर जी के शरण में आ जाए ना, बोले ना जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब। जब भगवान की शरण में आ जाओगे ना, ये जितने ग्रह है अपने आप भाग जाएंगे। क्यों? उनको पता चलेगा भैया कि ठाकुर जी की शरण मिल जाए, ठाकुर जी की इसको पीछे मत पड़ाओ, नहीं तो अपना नौकरी जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी पोस्ट ही चली जाएगी, हैं? तुम्हारी पोस्ट जाएगी। जैसे अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर है, हम मोदी प्राइम मिनिस्टर, अगर मोदी का कोई एकदम निकट का व्यक्ति हो उसका पीछे कोई लग जा भैया अपना ही नौकरी जाएगी, अगर उसको पीछे लग लो, हैं? फिर उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण के शरण में आ जाते हैं सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। अगर इन्हीं के शरण में नहीं आओगे, ये ग्रह खड़ी हो जाएगी, वो ग्रह खड़ी हो जाएगी, वो ग्रह खड़ी हो जाएगी। इसलिए केवल एक ग्रह कृष्ण ग्रहित चेतसा, केवल एक ही ग्रह, हाँ, एक ग्रह आश्रय लो भगवान के प्रेम के ग्रह, ये ग्रह अगर आगे सारे ग्रह शांत हो जाएगी। इसलिए जो एकादशी व्रत है ये भगवान कृष्ण का ही व्रत है। इसलिए क्या करनी चाहिए? बोले जतने पालन करें, इसको जतने में पालन करो। बोले जतने में पालन करो मतलब क्या? बोले इसका नाम है एकादशी, मतलब 11, एकादशी मतलब 11। कहते हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनका जो राजा ये मन है। हमारी ये 11 इंद्रियां हैं, आज का दुनिया में ये 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, ठाकुर जी की भक्ति में लगा लो, बोले कैसे लगाएंगे? कहते श्री अम्बरीश महाराज, ये अम्बरीश महाराज इसको अपना प्रभु की भजन में लगाया करते थे। बोले कैसे? बोले सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, कहते मन को क्या करो? भगवान के चरण के चिंतन में लगा दो, ठाकुर जी की चरण के चिंतन में। बोले ठाकुर जी का चरण का चिंतन में क्यों लगाते? बोले भगवान के चरण में 3 चीज है। कितना चीज है? 3 चीज क्या है? बोले अशोक भय अमृत आधार तोमार चरण दोए, ताहाते खना विश्राम लगिया छाइनो भवेरवाई। ये भजन में गा रहे हैं ठाकुर का चरण में 3 चीज क्या? बोले अशोक, जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर भय नहीं, अमृत जहाँ पर अमृत। अगर ठाकुर जी का चरण में शरणागत होगा ना तो वो ये 3 चीज छोटा पड़ेगी, कोई शोक नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, और जीवन में आनंद नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं ना ठाकुर का चरण को चिंतन कर सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए मन को क्या करो? ठाकुर जी की चरण में लगाओ। और ठाकुर जी की चरण में ना 19 चिन्ह है। कितना चिन्ह है? 19। पहला चिन्ह है ठाकुर चरण में कमल। अगर वो कमल को कोई स्मरण करना, जैसे कमल फूल देखने में बड़े सुंदर और बड़ी खुशबू निकलती है, अगर उनकी चरण कोई चिंतन करेगा बात तुम्हारा शरीर से खुशबू आएगी, हैं? और तुम्हारे जीवन में कमल जैसे खिलते रहोगे, कमल जैसे खिलते रहोगे जगत में, बड़े सुखी रहोगे। उनके चरण में चक्र है, अगर कोई चक्र को स्मरण करे, चक्र क्या करता है? काटता है हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये इसको काट देगा। ठाकुर जी चरण में गदा है, गदा से क्या करते हैं? मारते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु हो, अगर गदा को स्मरण करना क्या होगा, तो सारे शत्रु को मार कर भगा देगा। उनके चरण में स्वस्ति की चिन्ह है, अगर उसको कोई स्मरण करोगे तुम्हारे जीवन में मंगल मंगलमय होगा।
उनके चरण में झंडा पताका, अगर उसको स्मरण करोगे ना सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार, सारा दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा जाएगी, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी। ठाकुर जी के चरण में जाओ, उसका स्मरण करो, घर में खूब पैसा आए, घर में खूब लक्ष्मी कृपा होगी, उन्हें से चिन्ह ठाकुर जी चरण में। इसलिए मन को क्या करो, ठाकुर जी की चरण में लगा दो। बोले बच्चासी, बोले बाणी को द्वारा क्या करेंगे, बोले बच्चासी वैकुंठ गुणानुवर्धने, बाणी को द्वारा भगवान की गुण कीर्तन में अपना बाणी को लगा लो, बाणी को गुण कीर्तन में। जैसे आज एकादशी है, आज एकादशी क्या करो, रोज रोज जितना माला जप करते हो ना, जितने माला जप करते रोज रोज, आज में ज्यादा माला, क्योंकि एकादशी एक माला करोगे ना सौ माला करने का फल मिलेगा। एकादशी का विशेष महत्व है, इसलिए महाप्रभु सारा रात्रि कीर्तन करते थे। आज नियम होता है जितने हरिनाम करते हो ज्यादा माला करो, माला सबके पास में, किसको किसको पास माला है, हाथ में माला किसको किसके पास में, इसलिए आज सबके सब ज्यादा माला करना, ठीक है ना, सबके सब ज्यादा माला करना, जितना करते हो थोड़ी सी ज्यादा माला करना आज, ठीक है। और जिसके पास माला नहीं, माला ले लेना मेरे से, और करो हाथों को द्वारा भगवान की मंदिर में, चरण को द्वारा मंदिर की बात, कानों से ठाकुर की कथा सुनते हैं, जीवा से ठाकुर का गुण कीर्तन। इसलिए जो एकादशी इंद्रियों को द्वारा क्या करो, इसलिए ग्यारस है ना एकादशी, मतलब एकादशी इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा, इसलिए जतन पालन करी, उसको जतन पूर्वक पालन करो, जतन पूर्वक मतलब भगवान के नाम गुण कीर्तन में मन ज्यादा आज ज्यादा लगा, ठीक है। इसलिए माधव की भक्त कृष्ण बसती बसती बली परम आदर बली, कहते इसको क्यों इतने आदर पूर्वक करना, इसमें भगवान की भक्ति बैठी, इसलिए एकादशी को भक्ति की जननी बताया, भक्ति की माँ है। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, लालन पालन करती है, और एकादशी द्वारा क्या होता है, ये भक्ति को बढ़ाने वाली, भक्ति को रक्षा करने वाली, तो जितने अच्छे तरह से एकादशी व्रत रखेगी उसका भक्ति उतना ही परंपरा तो ही बढ़ेगी। इसलिए हम वैष्णव जगत में हम लोग और कोई व्रत बार व्रत नहीं रखे, सौ मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये कोई हम कोई और बार व्रत नहीं रखे, हम कह एक एकादशी व्रत को, हम लोग एक एकादशी व्रत को रखते हैं। इसलिए भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं है, कोई बार व्रत का नाम नहीं है, केवल एक ही व्रत का नाम है, एकादशी की ही केवल कथा आती है और कोई किसकी कथा नहीं आती, क्योंकि हम ठाकुर जी की जब भक्ति करते हैं व्रत करते हैं वो सभी का व्रत अपने आप हो जाता है। इसलिए आप लोग भगवान का विराट रूप देखे होंगे, ठाकुर जी का विराट रूप दिखा है ना, भगवान कृष्ण क्या दिखाया अर्जुन, देख जिसको तुम देवी कहते हो देवी मेरे में, जिसको तुम शंकर कहते हो शंकर मेरे में, जिसको तुम कहते हो हनुमान जी देखो हनुमान जी मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो गणेश मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र कहते हो देखो ये 33 करोड़ देवा देवा देवी सब मेरे अंदर में, मेरे से कोई अलग नहीं, सब मेरे अंदर में है। अगर तुम मेरी मेरे शरण में अगर तू आ गया, कृष्ण इसलिए गीता का लास्ट में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों को छोड़ मेरे शरण में आ गया। अगर पाप नहीं लग गया, अभी तो इसको पूजा कर रहा था उसको पूजा कर रहा था उसको, अगर नाराज हो गए तो फिर क्या होगा, गड़बड़ी कर देंगे, कृष्ण दूसरी लाइन में कहते हैं अहम स्वाम सर्व पापे भवकुष्यामि, इतने बड़े प्रतिज्ञा भगवान ने लिया, मैं तुमको सारे पाप से मैं तेरे को मुक्ति कर दूंगा, माँ सोचो कोई चिंता मत करो, क्यों 33 करोड़ देवता मेरे अंदर में है, सारा दुनिया मेरे लिए, जितने सारे देवा देवी मैंने इनको एक एक पोस्ट में नियुक्त किया है, किसको अग्नि देवता किसको वायु देवता किसकी अग्नि, ऐसे मैंने इनको नियुक्त किया है, इनके एक नौकरी हमने दी है, जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना उनको पता चलेगा वो ठाकुर के शरण में आए वो अपने आप तुम्हारे पर कृपा करेंगे, अपने आप उनकी कृपा अपने आप हो जाएगा, नहीं तो कितने को पूजा करो, मन तो रहेगी ना, जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरो ना कोई, जो समझो जैसे गोपियां कहते हैं जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान की बात बताए, गोपियां क्या कहती है, उद्धव मन ना भयो सभी, तू कह रहे ध्यान करो, ध्यान तो मन से होता है, मन थोड़ी दस नहीं सी, मन तो एक ही है, एक मन सो गए श्याम संगी को आराध ईश,
ध्यान कौन करेगा? मन से ना, मन तो दस दिन की है, मन तो एक ही है, ये मन तो एक को दे सकते हो, लेकिन वो मन तो आपके ध्यान पर चल रहा है। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, अपनिष्ठ होनी चाहिए, इसको थोड़ा पूजा कर दिया, उसको थोड़ा भक्ति कर दिया, अरे मन तो एक ही, जितने को दो मन को, ये तो मन तो बंटवारा हो गया, ये मन तुम्हारी बंटवारा हो गई। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले अर्जुन तेरे को मैंने गुहा गुहा तारा और गुहा तम बात भी तेरे को मैंने बताया, गोपनीय गोपनीय सभी गोपनीय और उसके भी गोपनीय बात तुमको बताया, चूंकि तुम मेरे सखा हो, मैं तुमको सर्व गुहतम जो सारी गोपनीय में भी जो गोपनीय बात तेरे को बताना जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तो मेरी सखा। देखना दुनिया में दोस्त ऐसे एक वस्तु है जो बात कभी कभी संसार में अगर लड़ाई झगड़ा तुम्हारी हो जाए, पत्नी पिता माता के पास में, देखना मन की बात तुम किसी को भी नहीं बोल सकते, बीबी को भी नहीं बोल सकते, मैया को भी नहीं, भैया को किसको बोल, दोस्त को बोले, दोस्त क्या बताऊं मैं ये बात और किसी को भी नहीं बता सकता, बीबी को भी नहीं, पत्नी बच्चे को भी नहीं, किसी को नहीं, तो मेरे दोस्त हो, इसलिए केवल तेरे को ही मैं दिल खोल कर बोल सकता हूँ। इसलिए कृष्णा कहते हैं हे अर्जुन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तेरे को मैं सबसे जो गोपनीय बात बताता हूँ, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश वो क्या है, बोले मन में नाम भव, कहती है मन और किसको बताओ, ये मन मुझे भक्त, बोले मत भक्त भव, बोले भक्त किसका बने, बोले मेरे भक्त, बोले पूजा किसका करे, बोले माँ पूजा जी मेरे को ही पूजा, बोले प्रणाम किसको, मेरे को करो, सब मेरे को करो। अर्जुन कहता है तुमको करने से मिलेगा क्या, बोले माम एससी तो मुझे प्राप्त करो, बोले तेरे को पाने से क्या होगा। कृष्ण कहते हैं जस दत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में एक बार जाओगे तो पहुंच कभी तुम्हें वापस आना नहीं पड़ेगा, तुमको वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इधर उधर को पूजा करोगे तो थोड़ी तो पुण्य मिलेगा, लेकिन कहां तक जा सकते हो। कृष्ण कहते आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावृत्ति न अर्जुन, अगर आप पुण्य करके तो ब्रह्मलोक तक भी चला गया, पुण्य समाप्त होते फिर गिरोगे, इसी संसार में ही तुमको फिर भटकना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल मेरी भक्ति से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जहां जाने पर तुम्हें ये दुनिया में दोबारा कभी आना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए सबको सम्मान दो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हृदय में ना, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों ना कोई है, हृदय में केवल कृष्ण को ही स्थान हो, और हृदय में और किसको स्थान मत दिया करो, तुम सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, सबको सम्मान दो। सबसे जैसे शंकर जी पार्वती इनको गुरु मानो, हनुमान जी गुरु है, इनकी कृपा से प्रभु की भक्ति मिलती है, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है, उनको गुरु रूप में इनकी पूजा करो, गुरु रूप में पूजा करो, हमें भगवान की भक्ति हमें प्रदान करो, उनसे यही चीज हमें मांगनी चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। मैं तो सोच रहा था आपको और कुछ क्लास देने के लिए, लेकिन बोला नहीं, कल से आपको जो कथा सुनाऊंगा, हाँ देखो आप लोग कल है ना, मैं ऐसी कुछ कथा सुनाऊंगा जो चीज को आप याद रखना, जब अपना घर में जाओगे ना दूसरों को भी बोलना, ठीक है। इसलिए कल एक काफी और एक पहले जो थोड़ी सी लिखे बड़े हो, हाँ जो बड़े बड़े हो गए आपके लिए जरूरत नहीं, आप सुनना, लेकिन थोड़ी जो थोड़ी सो जो थोड़ी यंग है, हाँ थोड़ी जो समझदार है, थोड़ी सी ज्यादा लिखी पड़ी, आप एक काफी बड़े लिख दिखाना, मैं जो कथा सुनाऊंगा उसको लिखना, लिख करके और क्या करना, मेरे को दूसरे दिन भी थोड़ा कथा सुनाना, ठीक है। इसलिए कल जो हम मैं जो कथा सुनाऊंगा सुख का खोज, क्लास का नाम है सुख का खोज, सर्च फॉर हैप्पीनेस, जीवन में हम सुखी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये कल की क्लास दूंगा, दूसरे दिन दूंगा टच गट एग्जिस्ट, क्या भगवान है कि नहीं, उसको बाद में से तीन चार क्लास देकर जाऊंगा, जिसको आप याद रखोगे तो आपका जीवन में अच्छा काम में लगा सकते हो, ठीक है। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल, श्री गुरुदेव की जय हो।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण पाली बजा तू कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
पांच चीज क्या है? पहला है गेहूं। गेहूं में जितना सब चीज बनती है, जितने साज आटा, इसमें सूजी फूजी जो कुछ बनता है, हम मैदा पैदा उसको नहीं लगनी चाहिए, चावल उससे जितना सारी चीज बनती है। उसके बाद मेरे जौ, फिर जितने तरह का दाल है नहीं खानी चाहिए, और सरसों, ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए। और जो सब्जी में, हर सब्जी नहीं खानी चाहिए, आलू तो खा सकते हो और शकरकंद भी खा सकते हो, काशी फल का उसको भी खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, एक कच्चा केला होता है उसको भी खा सकते हो, ये सब फल, ये सब्जियों में ये सब सब्जी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ सब्जी होता है उस चीज़ को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ को आप खा सकते हो, ठीक है। खाने के लिए भगवान बहुत चीज बनाया है, बहुत सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना अपना नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हरी हरी वो।